ईयर 1944 को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है। ये वो टाइम होता है जब सेकेंड वर्ल्ड वार ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, जो जर्मन्स और यूएन के बीच हो रही थी। लेकिन हिटलर जो जर्मनी का कमांडर होता है, वो किसी भी सूरत में यूएन से जीतना चाहता है। वहीं पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम ग्रिगोरी होता है, जो कि हिटलर का आदमी था। ग्रिगोरी के साथ उसके दो साथी भी थी, एक मेल और एक फीमेल होती है। और यहाँ पर ग्रिगोरी का मेल साथी कुछ बड़ा करना चाहता था। असल में वो 5 साल की कड़ी मेहनत लगाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में कामयाब हुआ था, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो दूसरी दुनिया की डोर को ओपन कर देगा। ये करने के पीछे मकसद ये है ताकि हिटलर वॉर जीत जाए। इसीलिए मिशन में कामयाब होने के लिए वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। फिर होता ये है कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन हो जाता है, लेकिन सडन यूएन आर्मी उन पर अटैक कर देती है। दोनों के बीच काफी फाइट होती है। दूसरी दुनिया का दरवाजा जो कि खुला हुआ था, प्रोफेसर उसके अंदर एक बॉम्ब फेंकते हैं और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है वो दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होने के साथ साथ ग्रिगोरी भी दरवाजे के अंदर चला जाता है। इतने में ग्रिगोरी के दोनों साथी भी वहाँ से भाग जाते हैं। प्रोफेसर जो कि इंजर्ड हो गए थे, वो कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा काफी देर तक ओपन रहा है, जरूर कोई ना कोई बाहर आ गया होगा। सडन पीछे उन्हें कुछ मूवमेंट फील होती है। चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा मिलता है जो कि रेड कलर का था और उसका एक हाथ काफी बड़ा होता है। प्रोफेसर उस बच्चे को चॉकलेट देते हुए अपनी गोद में बिठा लेते हैं। ये असल में दूसरी दुनिया का बच्चा था जो दरवाजा खुलने की वजह से यहाँ आ गया। बाद में आर्मी इस बच्चे को नाम देती है हेल बॉय। टाइम गुजरता रहता है और 60 साल गुजर जाते हैं। ग्रिगोरी के साथी एक आदमी को एक हॉली प्लेस पर लेकर जाते हैं और उसे वहाँ पर ले जाकर मार दिया जाता है। उस आदमी का खून बहता हुआ एक जगह जाकर जमा हो जाता है और ग्रिगोरी जो की दूसरी दुनिया में कहीं पर गायब हो गया था, दोबारा वापिस हमारी दुनिया में आ जाता है। प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो की काफी बूढ़े हो गए थे और बीमार भी थे, और डॉक्टर्स का कहना था की आपकी जिंदगी सिर्फ 2 माह है, उसके बाद आप मर जाएंगे। असल में डॉक्टर्स प्रोफेसर को हॉस्पिटल में रखना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं घर ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। इसीलिए प्रोफेसर दोबारा वापस अपने रिसर्च सेंटर में ही आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर अपने फेवरेट एजेंट का ट्रांसफर करवा कर उसे अपने पास ही बुलवा लेते हैं। प्रोफेसर एजेंट को सबसे पहले एक ओरेकल से मिलवाते हैं। ओरेकल यानी फ्यूचर बताने वाला, दिमाग पढ़ने वाला, किताबें पढ़ने वाला। प्रोफेसर बताते हैं कि ये हमें एक सीक्रेट बेसमेंट से मिला था और इसमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये एट अ टाइम 4 बुक्स पढ़ सकता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक सीनियर एजेंट आते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि इसे अपने साथ आगे ले जाओ। वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर हेल बॉय भी होता। हेल बॉय अब बड़ा हो गया था, लेकिन 60 साल गुजरने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग और यंग ही लग रहा था। एजेंट उसे देखकर हैरान रह जाता है। हेल बॉय सीनियर एजेंट से पूछता है कि ये लड़का कौन है। सीनियर एजेंट कहते हैं कि ये तुम्हारा पार्टनर है। हेल बॉय कहता है कि जरूरत नहीं है मुझे किसी भी पार्टनर की। सीनियर एजेंट दूसरे एजेंट को स्लोली कहते हैं कि इसे वही चॉकलेट दो जो तुम्हें प्रोफेसर ने दी थी। चॉकलेट्स को देखकर हेल बॉय पूछता है कि क्या फादर आ गए हैं। सीनियर एजेंट जवाब देता है जी हाँ, वो तो आ चुके हैं। अचानक वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है जो कि खतरे का अलार्म था। वो सब मिलकर एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ था। वो जगह होती है एक म्यूजियम जहाँ पर कोई क्रिएचर आ गया था जिसने काफी लोगों को मार डाला। ये सब लोग म्यूजियम में चले जाते हैं। वो ओरेकल अपनी पावर को यूज करते हुए हेल बॉय को बताता है कि वो अंदर ही है। हेल बॉय सबको कहता है कि आप लोग बाहर ही वेट करें और खुद वो अंदर चला जाता है। अंदर एक स्ट्रेंज सा क्रिएचर होता है और देखते ही देखते हेल बॉय उसे मार डालता है। हेल बॉय जब वापिस आ रहा होता है तब ओरेकल उसे बताता है कि मैं इस क्रिएचर के बारे में जानता हूँ। असल में ये एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास ऐसी पावर्स हैं जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। हेल बॉय सोचता है कि इस तरह से मैंने तो उसे मार दिया, लेकिन अभी तो वो जिंदा ही है। दोबारा से उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और हेल बॉय दोबारा से उसे मार डालता है। इसके बाद हेल बॉय वहाँ से चला जाता है। हेल बॉय के वहाँ से जाने के बाद उसकी पूरी टीम वहाँ पर आती है। वहाँ पर पड़ी हुई चीजों को टच करके ओरेकल को पता चलता है कि यहाँ पर ग्रिगोरी और उसके साथी आए थे, जो कि गॉड्स ऑफ इविल यानी बुराई के गॉड्स को हमारी दुनिया में लाना चाहते हैं। और जिस क्रिएचर को हेल बॉय ने अभी अभी मारा था उसको अभी ग्रिगोरी ने ही आजाद करवाया था। प्रोफेसर ये सब कुछ जानने के बाद काफी अपसेट हो जाते हैं। ओरेकल जब प्रोफेसर को टच करता है तब उसे ये पता चलता है कि वो भी बहुत बीमार है। हेल बॉय एक मेंटल अजाइलम में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम लिज था। लिज असल में इन्ही लोगों की ही पार्टनर थी। इस लड़की के अंदर ये खूबी थी कि ये आग पैदा कर सकती थी, लेकिन आग की ये पावर लिज के कंट्रोल में नहीं थी, जिसकी वजह से पहले बहुत तबाही मच चुकी थी और इसी वजह
से उसे इस मेंटल असाइलम में रखा गया था। हेल्पबॉय उसे कहता है कि चलो वापिस हमारे साथ चलो। लीज कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना पसंद तो नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ काफी बेटरमेंट आ गई है। अब मैं आग पर कंट्रोल कर पा रही हूँ और कोई हादसा भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय के लोग आ जाते हैं जो उसे वापिस अपने साथ ले जाते हैं। हेल्पबॉय की बाजू पर क्रिएचर से फाइट की वजह से इस चोट का निशान बन गया था। ओरेकल को चेक करने पर पता चलता है कि हेल्पबॉय की चोट में उस क्रिएचर के एग्स हैं। वो ओरेकल बताता है कि डंक के जरिए ये अंडे किसी के अंदर भी पैदा कर सकता है और ये दो चीजों को बेयर नहीं कर पाते, एक लाइट और एक गर्मी, और इन अंडों को ग्रो होने के लिए नमी यानी गीलापन और अंधेरा चाहिए। हेल्पबॉय ने उस क्रिएचर को एक अंडरग्राउंड टनल में मारा था और ऐसा एटमोसफेयर वहाँ पाया जाता था। प्रोफेसर हेल्पबॉय को कहते हैं कि कल तुम पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाओगे और जितने भी वहाँ पर एग्स हैं सबके सबको डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट डे हेल्पबॉय ओरेकल कुछ एजेंट उसी लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो अंडों को तलाशने लग जाते हैं। ओरेकल पानी में जाता है और वो देखता है कि उस क्रिएचर ने वहाँ पर बहुत ज्यादा अंडे दिए हुए हैं और वो क्रिएचर वहीं पर होता है जो ओरेकल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर बाहर आ जाता है। बाहर भी एक क्रिएचर आ जाता है जो दो एजेंट्स को मार डालता है। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय आ जाता है और हेल्पबॉय और उस क्रिएचर के बीच काफी फाइट होती है और हेल्पबॉय उसे मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वहीं पर ग्रिगोरी का पावरफुल सोल्जर भी था जिस पर गोलियां भी नहीं असर कर रही थी, जो कि सीनियर एजेंट को बुरी तरह से इंजर्ट कर देता है। जब हेल्पबॉय वहां पर आता है तो वो सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो मर चुका हो और हेल्पबॉय भी कुछ ऐसा ही समझता है। हेल्पबॉय के अलावा सब इंजर्ड थे और अगर इन्होंने जल्द कुछ ना किया तो ये क्रिएचर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और तबाही मचा देंगे। जिस क्रिएचर को अभी अभी हेल्पबॉय ने मारा होता है उसके अंदर से दो लाइट्स निकलती हैं। इसका मतलब साफ था कि एक को मारने से दो पैदा हो जाएंगे। दूसरी तरफ प्रोफेसर लिज को उसी लोकेशन पर ले आते हैं जहाँ पर वो रहते थे। तभी वहाँ पर हेल्पबॉय जाता है जो लिज को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो लिज को लाइक करता था, लेकिन लिज से उसने अभी तक की बात शेयर नहीं की थी। दूसरी तरफ प्रोफेसर ग्रिगोरी के साथ ही डेड बॉडी को चेक कर रहे होते हैं जो कि ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो मर चुका हो। प्रोफेसर देखते हैं कि उसके अंदर जरा सा भी ब्लड नहीं होता। इसका मतलब साफ था कि वो कोई इंसान तो नहीं है। इसके बाद प्रोफेसर नीचे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रिगोरी का वही साथी उठ गया है जो कि अपने कपड़े पहनकर नीचे उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्रोफेसर होते हैं। उसे देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उनके लिए ये की गई एक साजिश है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने पपेट यानी कठपुतली को तो देख लिया है, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है, इसका मालिक, इसका चलाने वाला कौन है, कहाँ है? और तभी हम ग्रिगोरी को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। वो प्रोफेसर को कहता है कि वेरी गुड प्रोफेसर, वेरी गुड। ग्रिगोरी प्रोफेसर को कहता है कि अगर 60 साल पहले आपने हेल्पबॉय को मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। वो कहता है कि मैं आपको फ्यूचर की एक ग्लिम्स दिखाता हूँ और वो प्रोफेसर के फोरहेड पर टच करता है जिससे प्रोफेसर को विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हेल्पबॉय के दोनों सिंग अब काफी बड़े हो चुके हैं और सारी दुनिया जल रही है, चारों तरफ आग लगी हुई है और ग्रिगोरी का वही सोल्जर उन्हें मार डालता है। हेल्पबॉय को जब इस बात का पता चलता है तब वो वापिस आ जाता है और अपने फादर को मरा हुआ देखकर वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में उसके फादर प्रोफेसर के अलावा उसका कोई भी नहीं था। प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास एक नोट भी पड़ा हुआ मिलता है जिस पर किसी जगह का नाम मेंशन था। बाद में सब लोग मिलकर उस जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ वहां पर ओरेकल नहीं होता क्योंकि वो काफी बीमार था। इन्हें वहां पर बहुत बड़े बड़े खंडरात मिलते हैं और ये उसके अंदर चले जाते हैं। अचानक उनके सामने ग्रिगोरी का साथी आ जाता है और ये वही होता है जिसने प्रोफेसर को मारा था और वो हेल्पबॉय पर अटैक कर देता है। हेल्पबॉय जानता था कि इसी ने ही मेरे फादर को मारा है और वो उससे कई ज्यादा पावरफुल भी था, इसीलिए हेल्पबॉय अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे मार डालता। लेकिन इतनी देर में हेल्पबॉय से उसके साथी अलग हो चुके थे। वहाँ पर उन्हें उस क्रिएचर का घर भी मिल जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे अंडे दिए हुए थे और यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएचर होते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। हेल्पबॉय बहादुरी से उनका मुकाबला भी करता है, लेकिन उनके साथ लड़ना कोई आसान नहीं था क्योंकि वो तादाद में भी काफी ज्यादा थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। लिज जब वहाँ पर आकर ये सब कुछ देखती है तो वो एजेंट को कहती है कि मुझे स्लैप करो ताकि मुझे गुस्सा आए और मैं आग पैदा कर सकूं। वो एजेंट ऐसा ही करता है, लिज को स्लैप करता है और उसके हाथ पर आग लग जाती है। लीज उस एजेंट को कहती है कि तुम जाकर कहीं पर छुप जाओ और वो एजेंट पत्थरों के पास जाकर कहीं पर छुप जाता है। लीज अपनी आग की पावर को इस्तेमाल करके सब क्रिएचर सब अंडों को डिस्ट्रॉय कर देती है। उन सब के खत्म होने के साथ साथ लीज और हेल्पबॉय भी बेहोश हो जाते हैं। हेल्पबॉय को जब होश आती है तो वो देखता है कि उसे पकड़ लिया गया है और उसके सामने ग्रिगोरी और उसके साथी होते हैं। वहीं पर लीज भी थी जो कि बेहोश थी, जबकि एजेंट को तो प्रिजनर बना लिया गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी होता है जो
के आसमान से गिरा था जो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने का रास्ता था। असल में आज रात ग्रहण लगना था और ग्रहण लगने की रात वो दरवाजा खोला जा सकता था। ग्रिगोरी हेलबॉय को कहता है कि तुम्हारा हाथ इतना बड़ा क्यों है, तुम्हें पता है? असल में ये दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है और अब तुमने करना ये है कि तुम दूसरी दुनिया का ताला हमारे लिए खोलोगे। लेकिन हेलबॉय इसके लिए साफ इनकार कर देता है। ग्रिगोरी कहता है कि क्या तुम लिज की सोल के बदले में भी ऐसा नहीं करोगे, और वो लिज की सोल को अपने अंदर ले लेता है। अगर तुम लिज को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो दूसरी साइड पर उसकी सोल तुम्हारा वेट कर रही है, और लिज को बचाने के लिए अब तो तुम्हें दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। हेलबॉय उन तालों को तोड़ने की कोशिश करता है। ग्रिगोरी कहता है कि तुम्हारा असल नाम इन तालों पर लिखा हुआ है और अपना असली नाम लिए बगैर तुम इन तालों को नहीं तोड़ सकते। तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा, बोलो अपना असली नाम। हेलबॉय अपना असली नाम बोलता है और वो ताले खुल जाते हैं, और जो हेलबॉय के सर पर सींग होते हैं वो अब काफी बड़े हो जाते हैं और उन सींगों में आग भी लगी हुई थी। वो उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया का रास्ता था। आधी रात का वक्त हो गया था और ग्रहण पूरी तरह से लग चुका था। हेलबॉय उस पत्थर के ऊपर एक सुराख में अपना हाथ डालता है और उसे खोलने लगता है। तब एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो जाकर चांद को छूती है और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, और जो बुराई का गोड़ था वो भी आजाद हो जाता है। और अब हेलबॉय ने वो ताला खोलना था जिससे वो बुराई का गोड़ हमारी इस दुनिया में आ जाएगा। और जब हेलबॉय उसे खोलने लगता है तब एजेंट उसे कहता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो, अपनी पहचान मत भूलो, ये मत भूलो तुम कौन हो, ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर कौन थे। और वो हेलबॉय की तरफ उसके फादर के गले का क्रॉस फेंकता है। जब हेलबॉय उसे देखता है तब उसे अपने फादर के ड्रीम, अपने फादर की अच्छाई और अपने अच्छाई के बारे में याद आ जाता है, और वो अपने दोनों बड़े बड़े सींगों को तोड़ देता है जो कि अभी उगे थे। दोनों सींगों के टूटते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और एक सींग वो ग्रिगोरी के आर पार कर देता है। बाद में वो लिज को उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन ग्रिगोरी जो कि अभी मरा नहीं होता, अभी जिंदा होता है, वो कहता है कि देखो ये तुमने क्या कर दिया, मुझे मारकर एक खतरनाक किस्म के क्रिएचर को पैदा कर दिया, और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा और खतरनाक क्रिएचर निकलता है जो सबसे पहले ग्रिगोरी की फीमेल साथी को मार देता है। इसके बाद वो हमला करता है हेलबॉय पर। हेलबॉय उसका मुकाबला करता है, उससे लड़ता है, लेकिन ये वाला क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है। हेलबॉय के हाथ में एक बॉम्ब होता है और वो खुद को उस क्रिएचर को निगलने देता है। जब हेलबॉय पूरी तरह उस क्रिएचर के पेट में चला जाता है तो हेलबॉय उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस क्रिएचर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर वो क्रिएचर भी मर जाता है। हेलबॉय सही सलामत बचकर वापिस आता है और वो लिज और उस एजेंट के पास आ जाता है। लिज अभी भी बेहोश थी और हेलबॉय लिज के कान में कहता है कि मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि तुम तो मेरी थी, मेरी हो। ये वर्ड सुनकर लिज होश में आ जाती है। हेलबॉय और लिज एक दूसरे के गले लग जाते हैं और बस यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट टू। तो मूवी शुरू होती है क्रिसमस की खूबसूरत शाम से, जब एक छोटा सा बच्चा हेलबॉय अपने फादर के साथ सोने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने फादर से कहता है कि बाबा क्या आप मुझे कोई स्टोरी सुनाएंगे? तो उसके फादर कहते हैं हाँ क्यों नहीं बेटा। तो ये स्टोरी कुछ लोगों और किसी रिलीजियस किंगडम की जंग के बारे में थी। उधर के बादशाह के पास जो लोग थे उनमें से कुछ तो क्रिएचर्स थे और कुछ जादू करना भी जानते थे। तो बादशाह ने 70 ताकतवर लोगों की जादुई फौज तैयार की जो इंसानों से लड़ने वाली थी। एक दिन उस बादशाह को एक ताज पहनाया गया जिसका मतलब ये था कि वो आर्मी पर कोई भी कमांड दे सकते हैं, यानी ऑर्डर दे सकते हैं, और इसी आर्मी को गोल्डन आर्मी का नाम दिया गया। लेकिन हुआ ये कि उस आर्मी ने लोगों पर बेतरतीब से हमले करने शुरू कर दिए, जिस पर बादशाह को बहुत दुख हुआ और उसे पछतावा हुआ, जिसकी वजह से उसने सुलह करनी चाहिए और इंसानों को उसने शहरों पर पूरा का पूरा कंट्रोल दे दिया, अपनी आर्मी से कहा कि वो जंगलों में रहे। बादशाह इस बात को प्रूव करना चाहता था कि वो वाकई पीस चाहता है, और इसीलिए उसने अपने ताज के भी टुकड़े कर दिए। उसने एक टुकड़ा इंसानों को दिया और दो टुकड़े अपने पास रख लिए। लेकिन इस बात से बादशाह का बेटा शहजादा नोएडा बिल्कुल खुश नहीं था, तो वो मुल्क ही छोड़कर चला गया। अब कुछ टाइम बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब प्रिंस नोएडा अपनी तलवार चला रहा था और अब वो वापिस आना चाहता था। इसके साथ एक मॉन्स्टर भी था जो इसका हर कहना मानता था। प्रिंस नोएडा को पता चलता है कि एक जगह पर पुरानी चीजें बेची जा रही हैं और उन चीजों में वो ताज भी शामिल है, उस ताज का वो टुकड़ा जो इंसानों के पास था। क्योंकि उसे इस बात का काफी गुस्सा था तो वो अपने लोगों को और कुछ क्रिएचर्स को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। और फिर हम हेलबॉय को वहां पर देखते हैं और हम लिज को देखते हैं जिसको हेलबॉय पर काफी गुस्सा था। उसके पास आग की पावर्स थी और वो हेलबॉय को वापस भेजने की काफी कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि लोग काफी परेशान है उस वाक्य की वजह से जो उस जगह पर हुआ जहाँ पुरानी चीजें बेची जा रही थी, और हम ये भी जानते हैं कि प्रिंस नोएडा का काम था। लेकिन इस सब के बारे में हेलबॉय से पूछा जाता है। खैर हेलबॉय को पता चलता है कि वहाँ पर 70 लोग थे और उनमें से एक भी नहीं बचा।
जो कि हेलबॉय का दोस्त था वो जगह पर पता लगा रहा था कि असल में काम है किसका। तो उसे वहाँ पर कुछ बॉक्सेस मिलते हैं जिस पर बादशाह की मोहर लगी हुई होती है। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो देखता है कि उसमें टूथ फेरीज थी, और लकीली उसके पास ऐसी एबिलिटीज थी कि वो अपने आसपास की चीजें पता कर सकता था। और जैसे ही वो अपना हाथ लिस की तरफ बढ़ाता है तो उसे पता चलता है कि इसका तो बेबी होने वाला है कि तभी हेलबॉय को और बाकी लोगों को वो टूथ फेरीज घेर लेती है, लेकिन तभी लिस भी उन्हें आग से डरा कर भगा देती है और हेलबॉय वहां से बाहर आ जाता है। और वो देखता है कि उसके चारों तरफ न्यूज रिपोर्टर्स हैं, और जिस बात का उस आदमी को डर था कि उसकी टीम के बारे में लोगों को पता चल जाएगा, तो वैसा ही हुआ। अब वो लोग पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। अब हम देखते हैं प्रिंस नुआडा को और उसके साथी को जो कि बादशाह के पास जाते हैं बात करने के लिए। बादशाह अभी भी यही चाहता था कि इंसानों के साथ सुलह के साथ रहा जाए। बादशाह की बेटी यानी प्रिंस नुआडा की बहन भी यही चाहती थी और अपने बाप का साथ दे रही थी, लेकिन प्रिंस नुआडा समझता था कि इंसान लालची होते हैं और यहाँ पर रूल करने के लिए वो हमें किसी भी वक्त मार सकते हैं। शाम को हेल्पबॉय देखता है कि उसके मुतालिक और उसके साथियों के मुतालिक न्यूज आ रही हैं, जिससे वो काफी खुश भी होता है, लेकिन लिस अभी भी हेल्पबॉय से नाराज थी। हम प्रिंस नुआडा को देखते हैं जो अभी भी बादशाह के पास था। वो कहता है कि फादर, मैं अपने मुल्क को और जादुई दुनिया को इंसानों से दूर रखना चाहता हूँ, और याद रखें मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किंग उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो अपने बाप को यानी किंग को मार देता है और ताज का दूसरा टुकड़ा लेके वहाँ से भाग जाता है। अब बादशाह की बेटी यानी प्रिंस नुआडा की बहन काफी डिस्ट्रेस होती है यानी परेशान होती है, और ताज का तीसरा टुकड़ा उठा के अपने भाई से छुप के वहां से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि इन लोगों को काफी इंतजार था कि हमारी टीम में नया एजेंट कब आए। ये सब हेलबॉय के खिलाफ काम करना चाहते थे, और जब वो नया एजेंट आता है तो दिखने में काफी अजीब होता है। वो आते ही टूथ फेरीज को देखता है और कोई एनर्जेटिक चीज इंसर्ट करता है जिससे वो जिंदा हो सके और वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। अब टूथ फेरी जिंदा हो जाती है और वो जो कर रही थी वो इनकी समझ से बाहर थी, तो वो इसको साथ-साथ ट्रांसलेट करता रहता है। उसे पता चलता है कि टूथ फेरीज वहाँ से आई हैं जहाँ बहुत सारी जादुई क्रिएचर्स रहती हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये जगह किसी ब्रिज के नीचे है। अब नया एजेंट अपनी टीम को वहाँ पर लेकर जाता है, तभी उन्हें एक क्रिएचर मिलती है जो उन्हें सीधा उस जगह तक ले जाती है जहाँ पर जादुई लोग रहते थे। अब वहाँ पर हेल्पबॉय भी आ जाता है और वो ये देख कर काफी खुश होता है कि उसे वहाँ पर अजीब नहीं लग रहा था, यानी वो इन क्रिएचर्स में ऐसे चल रहा था जैसे उन्हीं का साथी हो। वहाँ टीम के एक आदमी को कोई नजर आता है जिसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिससे पता चल रहा था कि इसका बादशाह से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो आदमी सोचता है कि क्यों ना मैं खुद अंदर जाऊं और पता लगाऊं कि ये है कौन। तो उसे पता चलता है कि तो बादशाह की बेटी है यानी प्रिंस नुआडा की बहन। वो यहाँ पर अपने फादर की छुपाई हुई कोई चीज लेने आई थी। वो आदमी मुसलसल उसका पीछा करता है और अचानक वो भी उसके सामने आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों की एबिलिटीज सेम थी। वो दोनों एक दूसरे के हाथ के इशारे से ही एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस नुआडा का खास आदमी वहाँ पर आता है और शहजादी यानी प्रिंस नुआडा की बहन पर अटैक कर देता है, और तभी हेल्पबॉय आता है और उस पर उल्टा अटैक कर देता है और उसको हरा देता है। शहजादी हेल्पबॉय से काफी इम्प्रेस होती है, तो वो उसे बताती है कि मेरे पास किंग के ताज का आखिरी टुकड़ा है, और उसने वो सिलेंडर भी हासिल कर लिया है जिसमें उस गोल्डन आर्मी तक जाने के लिए जो रास्ता यूज होगा उसका मैप भी है। अब जो नया एजेंट आया था वो नहीं चाहता था कि शहजादी उनकी टीम में आए, और हेल्पबॉय को ये बात काफी अजीब लगती है, और वो नया एजेंट भी। अब हम देखते हैं कि प्रिंस नुआडा को काफी गुस्सा था क्योंकि हेल्पबॉय ने उसके खास आदमी को जो मार दिया था, तो वो एक बीज निकालता है जो कि देखते देखते एक क्रिएचर में बदल जाता है जिसके बहुत सारे टेंटिकल्स थे। हेल्पबॉय और वो लड़ने लगते हैं। वहाँ पर इंसानों का एक बच्चा भी होता है और हेल्पबॉय उसे वहाँ से बचा लेता है, लेकिन लोग उसी को बुरा भला कहते हैं। वो ये सोच ही रहा होता है कि ऐसा आखिर क्यों है कि तभी लिस वहाँ पर आ जाती है। हेल्पबॉय काफी सैड होता है तो वो उससे कहता है कि सॉरी तुम मत जाओ। तो लिस उसे गुस्से से कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हें दुनिया को खुश करना है या मुझे, एक बार सोच लो। फिर हम शहजादी को देखते हैं जो कि ताज का तीसरा टुकड़ा उस आदमी की बुक में रख देती है जो कि टीम मेंबर था। फिर हम देखते हैं कि नया एजेंट हेल्पबॉय के पास आता है और कहता है कि तुम मेरा कहना मानो क्योंकि अगर हम दोनों में लड़ाई होती है तो जीतूंगा तो फिर भी मैं। हेल्पबॉय उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कह दिया, क्योंकि हेल्पबॉय को खुद पर यकीन था कि वो इसे हरा देगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें ये पता चलता है कि प्रिंस नुआडा ने अपनी बहन को किडनैप कर लिया है। उसने हेल्पबॉय के लिए ये भी नोट छोड़ा था
हालांकि अगर तुम चाहते हो कि प्रिंसेस की और तुम्हारी जान बच जाए तो वो ताज का तीसरा टुकड़ा लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। जैसे ही हेलबॉय प्रिंस नोएडा के पास जाता है तो वो उसको धोखा देते हुए उसकी चेस्ट में नीजा दे मारता है, जिससे हेलबॉय को बहुत दर्द होती है। वो नेजा निकालने की बहुत कोशिश की जाती है लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। यहाँ पर वो लिस से कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलबॉय के दोस्त को बुक में वो तीसरा पीस मिल जाता है और उस टीम को भी पता चल गया था कि गोल्डन आर्मी कहाँ पर है। अब लिस ने हेलबॉय को माफ कर दिया था और वो उसे भी गोल्डन आर्मी तक ले जाना चाहती थी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके, लेकिन नया जेंडर उसकी टीम में नहीं चाहती थी। तो लिस उन लोगों को मारने लगती है और वहाँ हलचल मच जाती है। अब ये तीनों यानी लिस, हेलबॉय और उसका दोस्त अकेले ही चल पड़ते हैं और वहाँ पहुँच कर इन्हें एक गॉब्लिन मिलता है जो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन उसके बदले में तुम लोगों को मुझे एक चमकदार चीज देनी होगी। तभी गॉब्लिन को हेल्पबॉय की चेस्ट पर वो नेजा नजर आता है तो वो कहता है कि चमकदार चीज मुझे दे दो तो मैं तुम लोग की हेल्प कर दूंगा। गॉब्लिन उसे एक ह्यूज क्रिएचर के पास लेकर जाता है जो कि उन लोगों को पहले से जानता था। वो उन्हें उनके असली नामों से पुकारता है। लिस उस क्रिएचर से कहती है कि प्लीज हेल्पबॉय को ठीक कर दो, तो वो क्रिएचर कहती है कि अगर ये जिंदा रहा तो जमीन में बहुत फसाद होंगे, लेकिन लिस कहती है कि प्लीज इसे ठीक कर दो ना, इसे जीने दो। उस क्रिएचर को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था। खैर वो एंजल लिस के कहने पर नेजा हेल्पबॉय की चेस्ट से निकाल देता है और फिर लिस से कहता है कि तुम्हें इसे जीने की कोई वजह देनी होगी। तो लिस हेल्पबॉय के सामने झुक जाती है और उससे कहती है कि तुम फादर बनने वाले हो और हेल्पबॉय ये सुनकर ठीक होने लगता है। अब गोब्लिन उन्हें गोल्डन आर्मी तक लेकर जाता है और प्रिंस नोएडा भी वहां पर था। वहां पर हेल्पबॉय का दोस्त उसे ताज का तीसरा टुकड़ा देता है लेकिन प्रिंस नोएडा यहां भी उनको धोखा दे देता है और वो गोल्डन आर्मी को जगा देता है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और हेल्पबॉय चाहते हुए भी उन्हें रोक नहीं सक रहा था। अब वो दोनों लड़ने लगते हैं। हेल्पबॉय जीतने के करीब होता है लेकिन वो फिर भी प्रिंस को नहीं मारता। अब जहां जहां प्रिंस को चोट लगी थी वहां वहां प्रिंसेस को भी दर्द हो रही थी क्योंकि उनकी बॉडीज किसी न किसी तरह एक दूसरे से कनेक्टेड थी। वहां पर हम देखते हैं कि प्रिंस नोएडा दोबारा से उठ खड़ा होता है और हेल्पबॉय पर अटैक करता है लेकिन दर्द की वजह से दोबारा गिर जाता है। तो प्रिंसेस को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं खुद को मार डालूं जिसकी वजह से प्रिंस को भी दर्द हो। इसी के साथ वो खुद को स्टैब कर लेती है और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस नोएडा मारा जा चुका था। अब हेल्पबॉय वो ताज जोड़ता है और ऊपर उठा लेता है। लिस उससे वो क्राउन लेती है और उसे पिघला देती है जिसकी वजह से गोल्डन आर्मी वापस अपनी जगह पर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो टीम मेंबर्स और नया एजेंट इन तीनों को आकर पकड़ लेते हैं और यही तीनों यानी लिस, हेल्पबॉय और हेल्पबॉय का दोस्त इस टीम को छोड़ने का बकायदा ऐलान करते हैं, यानी इस टीम को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेल्पबॉय लिस के साथ एक ऐसी जगह पर रहना चाहता था जहां पर वो अपने बेबी को पाल सके लेकिन लिस उसे टोकती है कि बेबी नहीं बेबीज, और इसी के साथ वो अपनी दो उंगलियां उठाती है जिससे पता चलता है कि उनके दो बेबीज होने वाले थे। यहां पर हेल्पबॉय बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।